मुख्तार अंसारी की मौत पर अधिवक्ताओं ने की शोक सभा। खबर उत्तर प्रदेश की मऊ जनपद से है, जहां सियालकोट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक व्यक्त किया है और सीबीआई की जांच की मांग की है। विधायक रह चुके हैं, जेल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, अल्लाह जाने। लेकिन जो आम जनमानस के हृदय की आवाज़ है, वो यही आवाज़ उठ रही है कि यह हार्ट अटैक नहीं बल्कि हत्या है। जैसा कि हम लोग अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता होने के नाते जो मऊ जनपद में उनकी फाइलें थी, उसमें उन्होंने अपने दुश्मनों से जान माल की सुरक्षा को लेकर के कई पत्र दिया था। अन्य भी जिलों में जितने भी उनके मुकदमे चलते हैं, उन सारे अदालतों में जान माल की सुरक्षा के लिए उन्होंने पत्र दिया हुआ। और जेल में यदि किसी व्यक्ति की हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है बेवजह और बेसमय, तो यह नितांत चिंता का विषय है और यह कहीं ना कहीं न्यायालय की अवमानना है। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उनकी किन परिस्थितियों में हत्या हुई है, इस पर सीबीआई जांच की आवश्यकता है। हम लोग शोक सभा के बहाने सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि दो दिन पहले भी वो अस्पताल में एडमिट हुए थे और जब उत्तर प्रदेश सरकार उनको सुरक्षा मुहैया या दवा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो पंजाब से क्यों लाया गया? पंजाब से लाने के पहले उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा, अन्य देखरेख की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि हार्ट अटैक से भी उनकी मौत है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वीट पॉइजन की जो आवाज़ उठ रही है, वो बात हमको लगता है कि सही है और मैं सीबीआई